साहिला पुलिस व डीएसटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,10,00,000 की अनुमानित लागत की अवैध डोडा पोस्ट बरामद कर दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देश अनुसार जिले में अवैध मादक पदार्थ की बरामदगी व रोकथाम हेतु चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के तहत साहिला पुलिस व जालौर डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सीमेंट वाले बर्गर ट्रक में 175 प्लास्टिक के अलग अलग कट्टों में 3542 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर लाल एवं वृत्ताधिकारी रत्नाराम देवासी के सुपरविजन में साहिला थानाधिकारी प्रदीप डांगा में पुलिस जाब्ता व डीएसटी प्रभारी लालाराम में जाब्ता द्वारा रविवार को शहरद रेवतड़ा में 22 चक्का सीमेंट टैंकर बल्गर ट्रक को रुकवा कर तलाशी लेकर मुलजिम नारायण लाल पुत्र हेमराज उम्र 29 साल निवासी अर्जुनपुरा व रतनलाल पुत्र मांगीलाल जाति गुर्जर उम्र 30 साल निवासी अंबाबेरी अभेपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ के कब्जे से कुल 175 प्लास्टिक के कट्टों में भरे अलग अलग कुल वजन 3542 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान बिशनगढ़ थानाधिकारी बाबूलाल कर रहे हैं। अवैध डोडा पोस्ट की अनुमानित लागत 1,10,00,000 बताई जा रही है। वहीं ये डोडा पोस्ट चित्तौड़ से बाड़मेर की ओर जा रहा था। पुलिस कार्रवाई टीम में थानाधिकारी प्रदीप डांगा, कॉन्स्टेबल हरिराम, प्रकाश मुर्डक, महेश जगताराम, रामदेव सिंह, जगदीश, जोगेश कुमार, नरेश सांवलाराम, गणपतलाल व चालक धर्मपाल सहित थाना साहिला व जिला विशेष टीम के प्रभारी लालाराम, कांस्टेबल मनोहर सिंह, नैनाराम, दिनेश कुमार, अजयपाल सिंह मौजूद थे।